परवीन, क्या परवीन, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। ऐसा मुलाजमों वाला सलूक करते हैं, जब दिल चाहा मुंह उठा के जलील कर दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ये नौकरी नहीं करी। बख्तावर, तुम एडवांस तनख्वाह ले चुकी हो और जो तुम्हारे साथ हुआ वो यहाँ मामूल की बात है, और अगर अभी से तुम हिम्मत हार गई तो आगे जाके क्या करोगी? चलो शाबाश। परवीन, सर नवीद को पता नहीं क्या हुआ, वह सुबह से इतने गुस्से में घूम रहे हैं। कह रहे थे कि परवीन से कहना हर हालत में मुझे दफ्तर में मिलकर जाए। इनकार जो कर दिया मेरे बाप ने, खबीस रिश्ता लेके आया था मेरे घर, घर में बीवी और 5 बच्चे होने के बावजूद रिश्ता भेज दिया मेरे घर। 5 बच्चे? लिफ्ट जो नहीं कराती मैं, इसलिए उठा के रिश्ता फेंक दिया घर पे। इस जैसे मर्द हम जैसी औरतों की कभी इज्जत कर ही नहीं सकते, और वैसे भी मैं बचपन से ही अपने मामूजात को पसंद करती हूँ, और पिछले माह उसकी नौकरी भी लग गई है, और कुछ दिनों में मेरी मुमानी मेरे घर रिश्ता भी लेके आ जाएंगी। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मैं तुम्हारे लिए इतना खुश हूँ कि अपने गम तो भूल ही गई। बस इंशाल्लाह जल्द शादी होगी, और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला तुम्हें भी ऐसी खुशियाँ जल्द नसीब करे। चलो चलो चलो। क्यों रोका? रिश्ते से इनकार क्यों किया? इनकार करना मेरा हक था, कर दिया। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि तुम्हारे मामू के घर वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं तुम्हारा? चलो हटो, ड्यूटी कर कर आई हूँ, घर जाना है मुझे। तुम्हारा गुरूर जो है ना, मैंने मट्टी में ना मिलाया तो मेरा नाम भी क्या नाम रखूं तुम्हारा? नाकाम आशिक। नाकाम आशिक?